हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय हिंदी व्याकरण में हम लोग व्याकरणिक कोटियों को पढ़ रहे हैं। व्याकरणिक कोटियाँ मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर आप राज्य सरकार की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहाँ एकदम इसके लिए तैयार हैं कि जितने प्रकार की 9 तरीके की अगर वो व्याकरणिक कोटियाँ आपके सिलेबस में लिखता है तो सभी से प्रश्न बनते हैं। और ऐसी परीक्षाएं जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हिंदी विषय से संबंधित ज्यादा होते हैं वहां पर व्याकरणिक कोटियों का रोल और बढ़ जाता है, क्योंकि उससे जो प्रश्न होता है 2 से 3 क्वेश्चन भी बढ़ने लगते हैं हर एक से। तो पहली चीज तो होती है शब्द को बहुत ढंग से पढ़ना। शब्दों के अंतर्गत ही ये है, जब आप अविकारी जो है विकारी शब्द पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर विभाजन, इससे पहले मैंने आपको बताया है, तो जब प्रयोग के आधार पर विभाजन के अनुसार और अब आप आते हैं विकारी शब्दों में, वहां पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण। इससे पहले के सारे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो सारे लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां पर आपको सारे वीडियोज एकदम व्यवस्थित क्रम में एक के बाद एक क्लास, चूंकि इनका रिलेशन आपस में है उस अनुसार बताए गए हैं, तो उनको जरूर वॉच करिए। आज हम लोग व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत मैंने आपको लिंग पढ़ा दिया है, ठीक है, वचन पढ़ा दिया है, पुरुष को मैंने इससे पहले आपको जब सर्वनाम में पढ़ा रहा था आपको उसी में पुरुष मैंने पढ़ा दिया है कि यहाँ पर ही समझ लें, क्योंकि वहां उसका प्रयोग ज्यादा था। और आज जो है एक इसके बाद मैंने कारक पढ़ा दिया, तो 4 व्याकरणिक कोटियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम 5वीं व्याकरणिक कोटि पढ़ने जा रहे हैं जो आपकी है काल, ठीक है। देखो, काल हो गई, वृत्ति हो गया, पक्ष हो गया, ये 3 क्रिया से संबंधित व्याकरणिक कोटियां मानी जाती हैं। काल यथा नामे जथा गुणे, यानी जो समय होता है किसी भी कार्य को करने में जो समय होता है उसी को हम काल कहते हैं। अब कार्य को करने में समय, यहां पर इसका अर्थ यह जाता है कि मान लीजिए वो कार्य आपका इससे पहले हुआ है, मतलब भूतकाल में कार्य हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है या फिर भविष्य में होगा। इन 3 आधार को हिंदी व्याकरण में वैयाकरणों के द्वारा 3 विभेद जो है काल के बताए जाते हैं। वहीं जब आप संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे तो संस्कृत व्याकरण में लकार यहां पर हो जाते हैं और लकार के अनुसार जो विभाजन बनता है वह 10 प्रकार के काल का विभाजन बनता है। वहां पर लकार हमें पढ़ना होता है, पढ़ा होगा आपने कक्षा 8 याद अगर आपको याद होगा, लट लिट, ठीक है, लिट, ये जो जितने लकार बनते हैं ये 10 प्रकार के संस्कृत व्याकरण बात करता है। तो हमें बहरहाल संस्कृत व्याकरण से तो लेना देना नहीं है, हालांकि वैयाकरण की जो दिमाग की सोच रही है हिंदी व्याकरण में वो आपकी क्या है, संस्कृत व्याकरण ही कहीं ना कहीं है। तो जितने भी लोग अभी भी PDF सब्सक्रिप्शन की ओर नहीं बढ़े हैं 10+ कोर्स के अंतर्गत टीम के द्वारा जो एक बेहतर तरीके से संचालित किया जा रहा है, उसमें आप सारे लोग अभी भी PDF सब्सक्रिप्शन प्लान लें, जिससे कि 3 महीने तक सारी हर एक क्लास जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उस क्लास के एक व्यवस्थित PDF आपको दी जा सके, ठीक है। ये सारी और इनके साथ जो भी हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे UPSC का UPFO है, उसमें टेस्ट सीरीज और मटेरियल दोनों मिल रहे हैं। आपको मटेरियल के लिए कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचना पड़ता है कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए एकदम सटीक मार्गदर्शन में उतरी है टीम के, उसको आप परचेज कर सकते हैं। आप प्रीलिम्स में बैठना चाह रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, कई किताबों का आपको जो है अनुभव नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, आप परीक्षा प्लस की जो है क्रैश कोर्स से जुड़िए। कई किताबों का निचोड़ आपको एक ऐसा मटेरियल मिलेगा जो अपने आप में रामबाण है, मतलब पढ़ने के बाद आप ये भरोसा पूरी तरीके से अपने आप में आत्मबल लाइए कि अब इस बार प्रीलिम्स आपके हाथ में है। तीसरी बात, जो लोग BU की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वक्त अभी भी है, क्रैश कोर्स आप खरीद सकते हैं, रिविजन के लिए जबरदस्त चीजें हैं, टेस्ट सीरीज भी है, मटेरियल भी है, तो तीनों प्रोग्राम से बिना कुछ सोचे, ठीक है, टीम पर विश्वास करते हुए जुड़ जाइए। इससे पहले बहुत सारे लोग प्रोग्राम से जुड़े हैं, ठीक है, बहुत अच्छे सारी चीजें हैं, उनमें से किसी से आप बात करेंगे तो टीम की गुणवत्तापूर्ण सारी चीजों पर आपको वो बताएंगे। आज बढ़ते हैं आगे, इससे कोई भी समस्या होती है तो आप जो है परीक्षा प्लस की वेबसाइट पर किसी क्रैश कोर्स के बारे में जानना है तो वहां भी विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े जिसकी लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। तो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, सबसे पहले ही जो है मना स्थित अपने कंट्रोल करिए और पूरे दिमाग को, ठीक है, भले ही आपने काल पढ़ा है लेकिन यहाँ जो काल पढ़ना है, ठीक है, वो कक्षा 8 की न्यूलाइट या तो सभी को होती है, 3 पढ़ लेते हैं खुश हो जाते हैं, यहाँ न्यूलाइट से कुछ बढ़ के भैया, यहाँ ऐसे सवाल आपसे किए जाते हैं जिसमें व्याकरण होता है, और व्याकरण अपने आप में इतनी भी आसान चीज नहीं है कि हम हिंदी को भूल जाएं। चलिए,
तो काल सबसे पहली चीजें जो आती हैं, काल के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया से संबंधित वाच्य होते हैं, और वाच्य के बाद हम पक्ष पढ़ेंगे, पक्ष के बाद हम वृत्ति पढ़ेंगे। तो क्रिया से संबंधित चार तरीके की कोटियां होती हैं, ठीक। इन चारों कोटियों से संबंधित अच्छे सवाल आए हैं, एपीटीपीएससी 19 का पेपर उठा के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा अभी तक जिन पर हम ध्यान नहीं देते थे तो एपीटीपीएससी किन मायनों में कैसा कदम बढ़ा रहा है। पीटी आना है तो भैया बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि अब जो होड़ है, ठीक है, कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन लेने में, वह होड़बाजी और बेहतरीन होने जा रही है। इसलिए अपने आप को पहले से तैयार करो। मैंने बताया कि सफलता हमेशा पहले की मेहनत से मिलती है, ऐसा कोई तरीका नहीं कि एक कुकर में नोट्स दे दिया जाए, उबाल लो, छान लो, पी लो और सिलेक्शन लेके चले आओ। तो टेंस, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, हालांकि हमें तो हिंदी से मतलब है, ठीक है, हम लोग हिंदी के विद्यार्थी। तो काल भैया वही कि जिसमें कार्य के जो है समय का हमें पता चले कि यह कार्य कब संपन्न हुआ, वर्तमान में चल रहा या भविष्य में होगा या फिर बीत चुका है, यह कार्य संपन्न हो चुका है। इन्हीं के आधार पर तीन होते हैं हिंदी व्याकरण में, इन तीनों के उपभेद होते हैं, उन्हें बहुत विद्वत ढंग से समझना है, क्योंकि उपभेद में जो वाक्य दिए जाते हैं उनसे पहचानने को लेकर हमेशा सब जो है पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये तो व्याकरण की अपनी एक चाल समझ सकते हो। तो बढ़ते हैं, इसमें जो तीन आपके भेद बनाए जाते हैं वह होता है वर्तमान काल, ठीक है। अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, वह जा रहा, खा रहा, पी रहा, सो रहा, इस तरीके से जो चीजें बनती हैं। दूसरा होता है अगर कोई काम आपका बीत चुका है, ठीक है, पहले ही हो चुका है, तो वो भूत कहलाता है, ठीक है, मतलब व्यक्ति था और व्यक्ति जा चुका तो वो भूत बना, तो वो भूतकाल है। तीसरा जो होता है यानी आगामी जो कार्य आपके संपन्न हो गए वो भविष्य काल में चला जाता है, भविष्य काल के तौर पर आपने पढ़ा होगा। तो तीनों पर भी जो है परिचर्चा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपके दिमाग में पल रहा है कि ये तो हमें पहले से मालूम है, पहले से मालूम है, लेकिन ये व्याकरण है। अब आप वो छात्र नहीं रह गए कि आपको कक्षा 10 तक जो पढ़ाया जाता था, आप कॉम्पिटिशन के दुनिया में हैं और यहां पर चीजें बदल जाती हैं, यहां बहुत कुछ हमें वो सिखाती है जो हम पहले से नहीं सीखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से मना स्थित एकदम संतुलित करके फिर मेरी बातों को सुनिए और चीजों को ध्यान दीजिए। काल की डिफिनेशन में मैंने बताया कि जिससे हमें पता चले कि वर्ग कब हुआ। दूसरी बात, उदाहरण आपके दिमाग में पहले ही चलेगा, विभाजन तीन होता है, आप चाहें तो पहले भूतकाल कर सकते हैं, पहले भविष्यकाल कर सकते हैं, वो तो आप पर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन अगर क्रम देखा जाए तो भैया पहले तो जो बीत चुका वही तो आएगा, फिर वर्तमान आएगा, फिर आपका भविष्य आएगा। तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में आज बात कर लेते हैं कि भूत में जिसने मेहनत की है, ठीक है, भूतकाल में, उसका वर्तमान में और अच्छा जा रहा होगा और भविष्य उसका और बेहतर होगा। इसीलिए मेहनत करो, बिना मेहनत के तो कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं, काल के प्रकार में सबसे पहला आता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, ऐसी जो भी वाक्य मिलते हैं वो सभी वर्तमान काल के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि क्रिया उसी वक्त में हो रही है। इसका मतलब जो होता है वर्तमान का, कि क्रिया उसी वक्त में हो रही है और वह वर्तमान काल है, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं, राम जा रहा, श्याम खा रहा, मीना उसे मार रही, परीक्षा के लिए जा रहा, ये सभी कार्य आपके जब बताया जा रहा तभी चल रहे हैं, ठीक है। काल के भेद पढ़ लीजिए, इससे सवाल पूछा है, एक वाक्य सीधा देगा और पूछेगा यह उपरोक्त वाक्य वर्तमान का कौन सा विभेद है, पहचानिए। उसके बाद चार ऑप्शन दे देगा। तो सबसे पहले वर्तमान को पढ़ते हैं कि वर्तमान के विभेद कितने होते हैं। देखिए, किताबें जब आप उठाओगे, कई अलग अलग तरीके की किताबें, तीन प्रकार के मिलेंगे, चार प्रकार के लिखे मिलेंगे, पांच प्रकार के और छह प्रकार के, इतने टाइप के वर्तमान के विभेद मिलते हैं। हम छह प्रकार में आपको बता रहे हैं कि छह प्रकार में कैसे कैसे वाक्य होते हैं, कहां से बहुत आसानी से अगर आप जो है दिमाग को वहां केंद्रित करेंगे तो आपको तत्काल पता चल जाएगा कि यह किस वर्तमान के किस उपभेद का उदाहरण है, ठीक है। बातों को बहुत ढंग से सुनना। सबसे पहला आता है सामान्य वर्तमान काल, मतलब यथा नाम है जथा गुण, सामान्य से चीजें, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है, यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। अब इसी को कहीं कहीं पर आपको जो है विभेद नहीं लिखा मिलेगा विभेद में, ठीक है। मैं लेख लिखता हूं, वह खेलता है, अब ये सब चीजें सामान्य ढंग से हो रही हैं तो ये क्या हो गई, ये सामान्य वर्तमान काल हो गया। दूसरा क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल, काम तो हो रहा लेकिन काम पूरा नहीं है,
समझिए कैसे। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किया जाने वाला काल है। सबसे ज्यादा क्रिया में जो प्रयोग होता है वह अपूर्ण वर्तमान का प्रयोग होता है। कैसे? यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को तो दर्शाता है, और इसे अपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। ठीक है, काम हो रहा, मैं खाना खा रहा हूं लेकिन खाना खा के फिनिश नहीं किया। ठीक है, खाना खाने का मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, तो यह अपूर्ण वर्तमान। राम जा रहा, अच्छा जा रहा, कहीं जा रहा, वो जहां जा रहा उस जगह पर नहीं पहुंचा। तो ऐसे जो मिलेंगे और ऐसे वाक्यों की भरमार आपको सबसे ज्यादा दिखाई देती है। तीसरा जो इसका विभेद बनता है, पूर्ण वर्तमान काल, मतलब जब काम हमें ऐसा मिले कि पूरा हो गया। कैसे? समझो, इसमें जो उदाहरण आपके आते हैं, जैसे मैंने लेख लिखा है, उसने खेल खेला है, मैंने लेख लिखा है, उसने खेल खेला है, अब यह पूर्ण वर्तमान का उदाहरण बन गया। ठीक है, चीजें तो कंप्लीट है अपने आप में। अगला है संदिग्ध वर्तमान, जब हमें पता ना चले कि काम हो गया है या काम नहीं हुआ है, संदिग्ध वर्तमान। इसके विभेद आगे भी शब्द ऐसे मिलेंगे, तो वहां कंफ्यूज मत होना। समझिए, वर्तमान काल के इस भेद में क्रिया के वह शब्द आते हैं जिनमें यह पता चले कि क्रिया पूर्ण है या अपूर्ण, यह संदिग्ध होता है। मतलब हमें ये चीजें प्रॉपर रूप से नहीं पता है कि जिस काम के बारे में यहां बात हो रही वो काम आपका पूरा हो चुका या नहीं हो चुका। संदिग्ध वर्तमान के उदाहरणों में जैसे वह लेख लिख रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, ऐसे उदाहरण जहां मिले, मतलब आप ये भरोसे से नहीं बोल सकते कि यह हो चुका है। ठीक है, यहां पर संदेह बना रहेगा, इसको संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत लाते हैं। अगला आपका जो होता है तात्कालिक, इससे लेकर ट्रिपल एससी के सवाल कई बार देखने को मिले हैं। तात्कालिक वर्तमान काल, मतलब जो तत्काल रूप से हुआ हो। तात्कालिक का अर्थ यही हुआ ना कि अभी अभी। कैसे? समझिए, काल के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही, और उसे तात्कालिक वर्तमान काल इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पर अब जैसे मैंने एक आपको बताया सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान, तो सामान्य वर्तमान काल को इसीलिए हटा दिया जाता है क्योंकि वो और तात्कालिक वर्तमान दोनों चीजें आपस में मैच करती हैं। इसलिए कुछ वैयाकरण क्या करते हैं कि जो है सामान्य वर्तमान को वो इसके उपभेद के अंतर्गत नहीं गिनते। तात्कालिक में देखिए, जैसे उदाहरण, मैं लेख लिख रहा हूं, वह खेल रहा है, अब ये तो सामान्य वर्तमान की चीजें हैं, इसीलिए सामान्य वर्तमान को इसके अंतर्गत कई वैयाकरण नहीं लाते हैं। ठीक है, अगली चीज है संभाव्य। अब संदिग्ध और संभाव्य दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग है। संभाव्य मतलब क्या होता है? संभावना। कैसे? वर्तमान में संभावना, वो तो भविष्य काल होना चाहिए। संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, इस कारण इसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखता हूं, वह खेलता है, मैं लेख लिखता हूं। ठीक, अब मैं लिखता हूं तो क्रिया के पूरा होने की तो संभावना बनी ही है, अगर लिख रहे हो तो पूरा होगा। ठीक, ऐसे जहां वो उपभेद मिलेगा वो संभाव्य के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रकार है, दूसरा प्रकार है काल का, वह होता है भूतकाल। पास्ट को पढ़ते हैं, इसके उपभेद को पढ़ते हैं, तो ऐसी क्रिया, ऐसा काम जो पहले संपन्न हो चुका, पूरा हो चुका, वह भूतकाल होता है। परीक्षा देने के लिए जा रहा था, राम जा रहा, श्याम जा रहा, ठीक, मीना उसे मार रही थी, अब ये सारी चीजें, काम पहले हो गया, आपने देखा आकर के किसी को बताया, अरे श्याम तो वहां जा रहा था, ये चीजें हो गई। अब इसके उपभेद को सीख लीजिए, इसके उपभेद से सवाल पूछा है और लाजमी है आपको जानना भी चाहिए। समझिए, सबसे पहला तो इसमें भी वही विभेद अगर हम करना चाहें, सामान्य भूतकाल बोल सकते हैं। ठीक है, सामान्य भूत जो आपने परिभाषा में पढ़ा इसको बोलते हैं, मतलब भूतकाल का सबसे सरलतम रूप, सामान्य रूप। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय पर किया गया है। ठीक है, जैसे उसने यह पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया, ठीक, अनंत गया, अब ये तो हमें नहीं पता है कि यह क्रिया कब संपन्न हुई, लेकिन क्रिया संपन्न है इसलिए यह क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा। समझ गए? अगला है आसन्न भूत। ठीक, आसन्न भूत का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, कोई भूत आया और आसन पर विराजमान हो गया।
आसन्न बोलते हैं। समझिए, आसन्न भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि क्रिया को पूर्ण हुए केवल कुछ ही समय हुआ है, अभी कुछ ही देर पहले यह काम हुआ था। ठीक है, तो ऐसे जगह पर जहां होगा वहां आसन्न भूतकाल होता है। उदाहरण समझिए, जैसे उसने सेब खाया है, मतलब काम तो उसने कर दिया है और काम अभी अभी हुआ है। सामान्य भूत में क्या था कि हमें क्रिया के संपन्न होने के बारे में कोई पता नहीं होता कि यह कार्य कब संपन्न हुआ। यहां पर यह होता है कि यह कार्य अभी कुछ देर पहले संपन्न हुआ। समझिए, वह पढ़कर आई है, मतलब पढ़ने का कार्य उसने पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा होता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल के दौरान यह पता चलता है कि कार्य समाप्त तो हो चुका है। मैं अभी लेख लिख रहा था, वह आम खा रही थी, अब यह क्या है, यह काम समाप्त तो हुआ है, अभी अभी काम समाप्त तो हुआ है। ठीक है, ऐसी जो चीजें होंगी वो किसके अंतर्गत होंगी, ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आती है। अगला होता है अपूर्ण भूतकाल। भैया इसमें क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल के जो वाक्य आपको मिलेंगे जहां पर, उसमें यह ज्ञात आप नहीं कर पाएंगे कि कार्य हो चुका है एवं इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, अब यह क्या है, गाड़ी चला रहा था, ठीक है, जैसे आपको वर्तमान में मिला था, वह जा रहा है, खा रहा है, ऐसे यहां पर है, मतलब काम तो पहले का था, है भूत की बातें लेकिन काम पूरा नहीं है। अगला इसका जो उपभेद है संदिग्ध भूतकाल, इसमें भी संदिग्ध आया। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल के दौरान वही बातें आएंगी जो वर्तमान में थी, यानी क्रिया संदिग्ध होगी। यहां कैसे, उदाहरण जब आप समझोगे, जैसे वह गाड़ी चला रहा होगा, तू सो रहा होगा, ठीक, अब इसमें क्या है चीजें कंप्लीट, काम तो पहले का कंप्लीट है, हो रहा होगा, लेकिन यहां पर इसमें भी कहीं ना कहीं यह संदेह बरकरार होता है कि वो क्रिया होगी, हो चुकी होगी या नहीं। आगे बढ़ते हैं, हेतु मदभूत, ये कई बार आया है। ठीक, हेतु मदभूत के अंतर्गत यह होता है भैया कि भूतकाल में वह वाक्य जो नहीं हो पाए, ऐसे काम आपके जो भूतकाल में आप नहीं कर पाए, ठीक है, नौकरी मिल गई होती तो आज क्या होता, तो उन सारी चीजों को यहां हेतु मतलब होते रह गया। ठीक है, तो उन्हीं को, उदाहरण समझो, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। अब ये चीजें क्या है, आप पहले पैसे बचाओगे ना, मैं बार बार कहता हूं, हमें सफलता क्या, हमेशा पहले की पढ़ाई से मिलती है। अगर आपने पहले अच्छी तैयारी की है तो आज परीक्षा आएगी तो उसमें आप सफल होंगे ना। अब पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के हम विद्यार्थीगण, तो जब फॉर्म निकलेगा तो फॉर्म हम डालेंगे, जब जो है संस्था यह बता देगी कि भैया 10 दिन बाद आपका पेपर है, तब हम सोचते हैं कि अब किताब खरीदा जाए, और एडमिट कार्ड जो है लास्ट दिन वही होता है कि परीक्षा में पहुंचने से पहले हम एडमिट कार्ड की वो फोटो स्टेट की दुकान ढूंढते हैं कि एडमिट कार्ड कहाँ निकलवाया जाए। तो ये उत्तर प्रदेश की हालत है, इसी वजह से क्या होता है, ना तो कहीं सिलेक्शन मिलता है ना कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो याद रखना, अगर पैसे बचाए होते तो यह दिन ना देखना पड़ता। अब आप लॉकडाउन में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, लेकिन बहरहाल ये दूसरी चीजें हैं, भविष्य काल में चलते हैं भैया। अब यहां पर मैं आपका भविष्य बता रहा हूं कि अभी मेहनत कर लो, पढ़ लो ढंग से, तो भविष्य में क्या होगा, नौकरी मिलेगी, सारी चीजें सही होंगी। देखिए भैया, भविष्य यथा नामे जथा गुणे, यानी ये पता ना चले कि कर्ता ने जो है अब तक, या क्रिया जिन ऐसे वाक्य जहां पर मिले, साधारण अगर परिभाषा देखें, यानी ऐसा वाक्य जिसमें हमें ये मालूम ना चले जो है, ये मालूम चले कि कर्ता ने जो है क्रिया को अभी संपन्न नहीं किया है, वो भविष्य में करेगा, ठीक है, आगे करेगा, तो वो चीजें क्या होती हैं, भविष्य काल के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख ले, वह चला जाएगा, तुम चले जाओगे, ठीक, अब इन सब में क्या है, इसमें क्रिया अभी संपन्न नहीं हुई है, आगे संपन्न होगी। अब इसके उपभेद सीख लीजिए, उपभेद से इसके सवाल पूछा है और पूछेगा। अब पहला उपभेद तो हम सामान्य ही बोल सकते कि जिसमें कार्य सामान्य रूप से होगा, उदाहरण के तौर पर मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा, मतलब सामान्य प्रक्रिया है, वह कार्य आपका कंप्लीट होगा।
आगे बढ़ते हैं, संभाव्य भविष्य काल। इस प्रकार के काल के वाक्यों में जो है भविष्य में कुछ होने की संभावना होती है। कैसे? अब आप कहेंगे ये तो भविष्य काल का अर्थ ही होता है कि भविष्य में जो है जो कार्य होंगे वही भविष्य काल होते हैं। समझिए, यहां पर उदाहरण देखिए, जैसे दीपक कविता पढ़ेगा। अब दीपक कविता पढ़ने का कार्य करेगा, आगे करेगा, ठीक। प्रमोद गीत गाएगा, राधिका नाचेगी। अब ये सब जो कार्य हैं, ये कार्य भविष्य में होने के संदेह मतलब होने के आसार हैं, ये आप मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हेतु मध्य भविष्य काल। ये क्या है? ये कई बार आया है भविष्य में, कई बार पूछा गया है, समझिए इसको। इस प्रकार का भविष्य काल किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया को क्रियान्वित करता है। एक क्रिया के होने पर दूसरी हो, मतलब शर्त के अनुसार जहां वाक्य लिखे मिले इसको पहचानने का वही तरीका होगा। जैसे इसमें जो उदाहरण है, पैसे कमाओगे तो खर्च करोगे, बोलते नहीं है सामान्य सी बात। पैसे अगर कमाओगे तो खर्च करोगे, पढ़ाई अगर करोगे तो सफल होगे, मतलब बातें भविष्य की है लेकिन शर्तानुसार है। एक बार आपको एक की शर्त मिलेगी, एक काम जब आप पूरा करोगे तो दूसरा काम होगा, अगर पढ़ाई करोगे तो सफलता मिलेगी, ठीक। पैसे बचाओगे तो काम आएंगे, नहीं बचाओगे तो नहीं काम आएंगे। तो इतने जो है इसके विभेद के अंतर्गत होते हैं, काल के अंतर्गत जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद कल आपकी अगली व्याकरणिक कूट के बारे में मैं आपसे परिचर्चा करूंगा। जो भी लेक्चर आपको पसंद आते हैं उसे एक बार जरूर फेसबुक वगैरह पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी जो आपसे जुड़े हैं सभी को शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परीक्षा प्लस परिवार में, ये आपकी जिम्मेदारी है आप सभी सदस्यों की, ठीक है, कि आप एक सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाते हुए परिवार में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़े। टीम के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आपको जो क्वालिटी मिलती है, जैसे हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका है, उस अनुसार जरूर दूसरों को बताते रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।